हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटोरोला फ़ोन है तो मोटोरोला फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में स्विच एक्सेस सेटिंग है तो स्विच एक्सेस सेटिंग्स को आप कैसे सेट कर सकते हैं अपने मोटोरोला फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन्स ओपन होंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में स्विच एक्सेस सेटिंग है तो स्विच एक्सेस सेटिंग्स को आप कैसे सेट कर सकते हैं, सिंपल आपकी फ़ोन की सेटिंग शो हो रही है तो आपको यहाँ पर सर्च करना है स्विच एक्सेस। तो सर्च करते ही शायद हमारा ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ पर सर्च करना है एक्सेस बटी, तो ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ से आप स्विच एक्सेस सेटिंग्स को सेट करना चाहते हो कर सकते हैं। सिंपली हमारी सेटिंग्स तरीके से ओपन हो जाएगी। तो इसमें जो हमारा स्विच एक्सेस ऑप्शन है इस तरीके से ऑन करते हैं तो इसमें कुछ तरीके से प्रोसेस आ जाता है जिसको आप इस तरीके से स्विच करके प्रोसेस कर सकते हैं। ऐसे वन टू स्विच या स्विच करना चाहते हैं या ऐसे ऑन या ओके कर देंगे, इसे फिर से आपको ओके करना है और इस तरीके से कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ से रीसेट गेम जो भी लिखा है इसको फिनिश कर देना। फिनिश करते ही स्विच एक्सेस का जो प्रोसेस है हो जाएगा और ऑफ़ कर देंगे तो ये प्रोसेस नहीं शो होगा। तो इस तरीके से स्विच एक्सेस को ऑन ऑफ़ कर सकते हैं और साथ में जो शॉर्टकट है स्विच एक्सेस का उसको आप यहाँ से ऑन करके यूज़ कर सकते हैं। ऐसे शॉर्टकट के जरिए स्विच एक्सेस को ऑन कर सकते हैं और इसको क्लिक करेंगे तो हमारे फ़ोन से बैक करते तो बैक भी हो जाएगा, यहाँ से क्लिक करेंगे तो शॉर्टकट हट जाएगा। इस तरीके से स्विच एक्सेस सेटिंग्स है जो हमारे फ़ोन में यहाँ पर शो होते हैं इसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्विच एक्सेस सेटिंग्स को आप सेट कर सकते हैं अपने मोटोरोला फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।